बच्चों, वेलकम टू शालिनी उब्लिकास चैनल। तो आज हम सीखेंगे 8th स्टैंडर्ड का इंग्लिश बाल भारती का जो 2.3 का पोएम है द वॉर्म नाम का, उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए वॉर्म क्या होता है। वॉर्म माने जो रेंगने वाला कीड़ा होता है, अर्थवर्म हम लोग कह सकते हैं उसको, क्या बोलते हैं वॉर्म। तो बेसिकली वो इंसेक्ट जो क्या करता है, रेंगता है जमीन पर, तो रेप्टाइल कैटेगरी में आता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वर्म कहते हैं, और हम सब फैमिलियर है। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, अर्थवर्म है। तो किस किस को अर्थवर्म पसंद है? नहीं ना, किसी को अच्छे नहीं लगते ना वर्म्स। तो देखिए, अभी ये जो पोएट है जिनका नाम है, देखिए आपको नीचे दिया, थॉमस जिसबॉर्न, उन्होंने क्या कहा है वर्म के बारे में, हमें कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। टर्न टर्न thy hasty food aside, nor crush that helpless worm. The frame thy scornful looks deride, required a god to form. तो देखिए वो क्या कह रहे हैं, उनको आप कह सकते हो कि थोड़ा सा जो वर्म्स जो है ना, जीव जो है वर्म्स, उनसे क्या हो गए है, थोड़ा हमदर्दी हो गया है। इसके लिए वो क्या कह रहे हैं, वो एक इंसान को कह रहे हैं। अभी ये जो है थोड़ा थोड़ा, इसमें कुछ वर्ड्स जो है, ये पोएट्री जो है बेसिकली थोड़ा सा ओल्डन इंग्लिश काइंड का है, तो आपको उसमें थोड़े से नए टाइप के वर्ड पता चलेंगे। तो जहाँ पे दाए है, तो दाए इज योर, तो वो एक कोई इंसान को कह रहे हैं कि भाई तेरा जो पैर है वो बाजू में कर ले। ठीक है, एंड वापस दाए है, एंड देन रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर एंड अपोस्ट्रोफी डी है, तो अभी हम लोग क्या लिखते हैं, रिक्वायर्ड लिखते हैं, राइट। तो रिक्वायर, सो आर ई क्यू यू आई आर ई डी होता है, तो अपोस्ट्रोफी की जगह हम लोग अभी ई डी लिखते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट फॉर्म में जो ओल्डन इंग्लिश है उसमें क्या लिखा है, रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड हम लोग पूरा बोलते हैं ना अभी बोलते बोलते, लेकिन ये जो है इसका प्रोनंसिएशन कट हो जाता है। ठीक है, वो ई का जो प्रोलॉन्ग प्रोनंसिएशन आता है डिस्टिंक्ट, वो नहीं आएगा, वो कट हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका मतलब समझते हैं। तो क्या बोल रहा है, टर्न टर्न thy hasty food असाइड, तो हेस्टी मतलब क्या, हरीड एंड केयरलेस। तो हेस्टी का मतलब है एकदम जैसे जल्दबाजी में इंसान चलते रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हेस्टी फुट असाइड। तो क्या हो गया है, वो क्या बोल रहे हैं पोएट कि अरे भाई रुक जा, और अपना जो जल्दबाजी में जो पैर तू चला रहा है वो बाजू में थोड़ा सा सरक जाओ वहां से। ठीक है, Nor crush that helpless worm. तो वो क्या बोल रहे हैं, वो बेचारा helpless worm जो है, बेचारा जो वो worm वहाँ पे चल रहा है, उसको crush मत करो, उसको कुचलो मत अपने पैर से। क्योंकि अभी देखो, हम लोग जनरली ग्राउंड में खेलते हैं, भागते हैं, तो क्या होता है, हम लोग कहाँ भागते हैं, कहाँ भी, आप हर एक ग्राउंड का जो स्क्वायर इंच रहता है, मिलीमीटर जो भी रहता है, हर एक चीज़ में देखते हो कि आप कौन से जीव जंतु को मारते हो, नहीं देख सकते ना। जब भी हम लोग चलते हैं, कभी कभी पैर के नीचे ऐसे कुछ छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं वो गलती से आ जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इस इंसान को पोएट क्या बोल रहे हैं कि भैया जो आप फटाफट चल रहे हो, अपना जो जल्दबाजी में अपना जो पैर चला रहे हो, वो क्या करो, अपना पैर थोड़ा सा लेकर बाजू में सर को। ठीक है, और वो बेचारे जो वर्म है उसको कुचलो मत पैर के नीचे। द फ्रेम द स्कॉर्नफुल लुक्स डिराइड, रिक्वायर्ड अ गॉड टू फॉर्म, इसका मतलब क्या है। द फ्रेम द स्कॉर्नफुल लुक्स डेराइड, मतलब अभी स्कॉर्नफुल का क्या मतलब है, फिल्ड विथ हेट, तो ऐसे हम लोग थोड़ा सा डिस्गस्ट से देखते हैं ना उनको, थोड़ा सा हम लोग को अजीब लगता है देखने के लिए, थोड़ा अंदर से वियर्ड सा लगता है। एंड डेराइड का क्या मतलब है, एक्सप्रेस हेट्रेड। ठीक है, तो अभी हम लोग के चेहरे पे कैसे डिस्गस्ट दिखता है, ऐसे कीड़े मकोड़े देख के कैसे लोग चिल्लाते हैं, आपकी मम्मी लोग रहेगी तो आपको पता चलेगा कैसे चिल्लाती है, छिपकली से अगर वो डरती रहेंगी तो, या कॉकरोच से डरती रहेंगी तो आपको पता चलेगा कैसे मम्मी जोर से चिल्लाती है कॉकरोच को देख के। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, ये वॉर्म्स को देख के
जो है हम लोग थोड़ा सा डिसगस्ट वाला फेस जो है वो बनाते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो फ्रेम मतलब आपका शक्ल पे जो आप हेट वाला जो लुक्स दिखा के वो बेचारे वॉर्म के बारे में जो अपना हेट्रेड दिखा रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, ये डिसगस्टेड लुक ला के चेहरे पे, रिक्वायर्ड अ गॉड टू फॉर्म। तो जिस चीज के प्रति आप इतना हेट्रेड दिखा रहे हो, जिस वॉर्म के प्रति इतना हेट्रेड दिखा रहे हो, उसके लिए भगवान लगा था बनाने के लिए। मतलब समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हैं वो, कि भगवान की जरूरत पड़ी थी ऐसे चीज को बनाने के लिए। ऐसा कोई भी बना सकता है क्या? नहीं, भगवान ने बनाया है ना, सारे जीव जंतु को भगवान ने बनाया, आपको, हमको, सारे ह्यूमंस को, और जितनी भी सारी चीजें हैं, नेचर है, सबको भगवान ने बनाया है, राइट? तो रिक्वायर्ड अ गॉड टू फॉर्म। तो ये जो चीज के प्रति आप इतना गुस्सा, डिसगस्ट दिखा रहे हो, हेट दिखा रहे हो, उसके लिए भगवान लगे थे बनाने के लिए, और कोई बना नहीं सका ऐसा चीज, ठीक है? ऐसे वो कह रहे हैं। द कॉमन लॉर्ड ऑफ ऑल दैट मूव, फ्रॉम हुम दाई बींग फ्लोड, अ पोर्शन ऑफ हिज बाउंडलेस लव ऑन दैट पुअर वर्म बिस्टोड। तो अभी देखिए वहां पे वापस क्या आ गया है, थोड़ा सा ओल्डन इंग्लिश वर्ड्स आ गए हैं, दाई है वापस से, जैसा मैंने आपको बोला कि योर्स होता है दाई का मीनिंग, फ्लॉड इज फ्लोड, ठीक है? तो FLOWED, तो अपोस्ट्रोफी की जगह पे आपको हर जगह अज्यूम करना है ई, ठीक है? तो कहाँ पर, फ्लॉड में, बिस्टोर्ड में, और अभी हम लोगों ने देखा जैसे रिक्वायर्ड में हम लोग को ई अज्यूम करना है अपोस्ट्रोफी की जगह पर, ठीक है? लेकिन जैसे वर्ड चेंज होते हैं कहीं कहीं पे ये अपोस्ट्रोफी का जो क्या कहते हैं यूज जो होता है वो भी चेंज होता है, उसको रिप्लेस करने वाले लेटर्स जो होते हैं वो भी अलग होते हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब पोएट्री में आगे आएगा तभी, ठीक है? तो अभी इसका मतलब पहले हम लोग समझते हैं। द कॉमन लॉर्ड ऑफ ऑल दैट मूव, मतलब हम लोग ये जो चल बोल रहे हैं, सो सी फ्रॉम हुम दाई बीइंग फ्लोट, तो आप जो भी काम कर रहे हो वो आपको सब करने का क्या कहते हैं इतना सक्षम किसने बनाया? आपको भगवान ने जब भी बनाया तो हर एक काम करने के लिए आपको सक्षम बना। आपको भूख लगती है तो खाना खाने के लिए सक्षम बना है, राइट? आप अपने ही हाथ से खाना खाते हो ना, आपको कोई खिलाने का जरूरत नहीं पड़ता। मतलब आप बच्चे हो तो तब तक तो खिलाते हैं मम्मी डैडी, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हम लोग खुद का खाना खुद खा सकते हैं। तो भूख है तो उसके लिए जो चीजें नेचर में अवेलेबल है उसका यूज करके हम लोग खुद का भूख भी खुद मिटा सकते हैं। सब अपना काम खुद कर सकता है एक इंसान, ठीक है? तो ये जो सारे हम लोग को एक्शंस हम लोग को मिले हैं, ये जो सारा हम लोग को इतना अकल मिला है कि कौन सा एक्शन कब कैसे यूज करना है, और ये जो हम लोग को इतना सक्षम बनाया है अपने खुद के काम कैरी ऑन करने के लिए, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, वो किसने किया है? वो भगवान ने किया है। सो द कॉमन लॉर्ड ऑफ ऑल दैट मूव, हम लोग जो भी एक्शन करते हैं उसका जो कॉमन लॉर्ड है मतलब भगवान है, एक ही भगवान है ना, तो सब चीजों को जो गवर्न कर रहा है एक ही भगवान है, ठीक है? तो वो ही भगवान क्या हो रहे हैं, आप भगवान के भले अलग अलग रूप देखते हो लेकिन वो सुप्रीम पावर जो है वो तो एक ही है, जिस जो सब चीज को गवर्न करती है, राइट? तो क्या हो गया ये, इसको क्या बोला है भगवान को, एक कॉमन लॉर्ड बोला है जो हर एक जीव जंतु उसने बनाई है, उसका क्या करता है, जो रेगुलेशन है उसका वो खुद देखता है, ठीक है? उसने सारे जीव जंतु को सक्षम बनाया है अपना अपना काम करने के लिए, ठीक है? और हम जिससे, तो जो भगवान ने हमको बनाया है वही भगवान ने क्या बनाया है, इस बेचारे वर्म को बनाया है, ठीक है? तो वो क्या हो गया, हम दोनों का कॉमन लॉर्ड हो गया, हमारा एज इन ह्यूमंस का और ये वर्म स्पीशीज का, ठीक है? मतलब ये सिर्फ आपको कंपैरिजन में है लेकिन सारी स्पीशीज का एक ही जो है निर्माता है। अ पोर्शन ऑफ हिज बाउंडलेस लव ऑन दैट पुअर वर्म बेस्टोड। तो कैसा है, जो भगवान के प्यार का एक हिस्सा जो है, मतलब बाउंडलेस मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो भगवान का जो असीमित प्यार का एक हिस्सा जो है वो किसको मिला है, वो
वर्म को भी मिला है इन द फॉर्म ऑफ अ गिफ्ट, ठीक है। तो उसको भी भगवान का प्यार मिला, उसको जान मिला है, उसको रोज भगवान खाना प्रोवाइड करता होगा, जो भी वो खाता होगा, वो अभी तक भी जिंदा है, उसको उतना लाइफ प्रोवाइड किया है भगवान ने, राइट। तो वो क्या हो गया, भगवान का जो बाउंडलेस लव का, असीमित प्यार का जो एक पोर्शन है, जैसे हम लोग को मिला है, ह्यूमंस को मिला है, वैसे ही किसको मिला है, वो वर्म की स्पीशीज को भी बेचारे को मिला हुआ है, ठीक है। बिस्टोर्ड का मतलब क्या है, गिवन एज अ गिफ्ट, तो तोहफे के तरीके पे उसको क्या मिला है, भगवान का जो प्यार है वो मिला हुआ है। The sun, the moon, the stars he made to all his creatures free and spreads over earth the grassy blade for worms as well as thee. तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, सन मून और स्टार्स जो सारे भगवान ने बनाए हुए हैं, तो ये दुनिया बेसिकली जो चल रही है, पोएट का कहना है कि सारी भगवान की देन है, सब भगवान ने बनाया है और वो उसका क्रिएटर है, तो उसने जो जो भी क्रिएचर्स बनाए हैं वो सारे फ्री है, फ्री है मतलब अपना अपना काम खुद से कर सकते हैं, मुक्त है। तो अगर आप बोलोगे अर्थ को घूम तो अर्थ घूमती है, अगर आप नहीं बोलोगे मत घूम तो वो नहीं घूमेगी, एक दिन आप बोलोगे मुझे स्कूल को छुट्टी चाहिए 10 दिन तो नहीं घूमने का, तो बंद हो जाएगा अर्थ घूमना। वरना आप सन को बोलोगे कि तू निकल ही मत सूरज को, कि भाई तू थोड़े दिन के लिए छुप जा किधर जाके, तो सुनने वाला है आपका बात नहीं। वो क्या करते हैं, सारी चीज जो है अपनी फ्री विल पे काम करती है। आपको भी मम्मी बोलती होगी मोबाइल ज्यादा देख मत, गेम खेल मत, खेल मत, फिर भी आप खेलते हो ना, तो आप अपने फ्री विल पे अपनी मर्जी से खुद काम करते हो ना कभी कभी। तो वैसे ही क्या किया है भगवान ने, जो सारी क्रीचर्स बनाई हैं वो अपनी अपनी मर्जी की मालिक है, वो सारी कैसी है, फ्री है, किसी की भी बंधी हुई नहीं है किसी की भी बात सुनने के लिए। लेकिन आप अपने पेरेंट्स की बात और बड़े लोग की बात सुनने के लिए बंधे हुए हो, तो जाके ये मत बोलना कि शालिनी टीचर के चैनल पे ऐसे ऐसे बोला कि हम लोग अपने मर्जी के मालिक है, ठीक है, आपकी मम्मी हम लोग को डांटेंगी आके। तो आपको अपनी मम्मी की बात सुननी ही है, और मम्मी अगर सुन रही हो तो बताना बच्चे लोग को कि शालिनी टीचर के चैनल पे बोला है, बच्चे लोग को सुनना ही है मम्मी पापा का, ठीक है। तो चलते हैं पोएम की तरफ। तो सन मून स्टार्स जो भगवान ने बनाए हैं, तो अभी यहाँ पर जहाँ पे भी ही आएगा वो उसका मतलब क्या होगा, गॉड होगा, ठीक है। तो गॉड ने जो सन मून स्टार्स बनाए हैं तो सारे क्या है, अपने मर्जी के मालिक है। सारे क्रीचर्स जो उसने बनाए हैं वो क्या है, अपनी मर्जी के मालिक है। एंड स्प्रेड्स ओवर अर्थ द ग्रासी ब्लेड, तो क्या किया है, उसी के साथ उसने भगवान ने जो है अर्थ पे एक ग्रासी ब्लेड स्प्रेड किया है। इसका क्या मतलब है, क्योंकि ग्रास अगर आप कभी बैठे होगे तो कभी कभी क्या होता है, छुपता है, राइट, और उसको भी अर्थवर्म को भी, वो जो वर्म है उसको भी छुपता होगा, हम लोग को भी छुपता है। तो उसने पूरा दुनिया में क्या किया है, ग्रास का जो एक चादर जैसा है वो फैला दिया है, ठीक है, फॉर वर्म्स एज वेल एज दी। तो वर्म्स के लिए भी फैलाया हुआ है और हमारे लिए भी फैलाया हुआ है। दी का मतलब यू, ठीक है, ये ओल्डन इंग्लिश में दी का मतलब होता है यू। तो समझ में आया आपको, आगे जो है हमारा लास्ट स्टैंजा, उसमें देखते हैं क्या है। लेट देम एंजॉय द लिटिल डे देयर लोली ब्लेस रिसीव्ड, ओ डू नॉट लाइटली टेक अवे द लाइफ Thou canst not give. तो अभी देखें यहाँ पे क्या बोला है, let them enjoy the little day. तो उनको जितना भी बेचारों को वक्त मिल रहा है जीने का, उतना दिन उनको जीने दो, उतना वक्त उनको enjoy करने दो। तो little day मतलब एक दिन तो यार करने दे, ऐसा हम लोग जैसे बोलते हैं ना, लेकिन एक दिन हम लोग का कभी खत्म नहीं होता, वैसे टाइप का। तो क्या बोलता है वो पोएट, क्या बोल रहे हैं कि जितना वो बेचारे को लाइफ मिला है वर्म को, उतना उसको एंजॉय करने दो, उसका जितना छोटा सा लाइफ है, छोटा सा दिन है उसका, उसको एंजॉय करने दो। देयर लोली ब्लिस रिसीव्ड, तो लोली ब्लिस का क्या मतलब हो गया, एकदम
उनका नीड कितना है, वो बेचारे उनको कुछ खाने को मिल गया तो वो खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको जो एकदम छोटा छोटा जो हैप्पीनेस, सिंपल सिंपल हैप्पीनेस मिलता है, उसको पाने दो, उसको जीने दो, मजे करने दो लाइफ में, ठीक है। आप सोचो वो बेचारे वर्म को जाके कुचल दोगे पैर के नीचे, कुछ कुछ बच्चे तो और शैतान होते हैं, वो जाके वो बेचारे वर्म को जानबूझ के कुचल के आते हैं, या उसको कुछ तकलीफ देंगे, छेड़ेंगे, लकड़ी लेके पोक करेंगे, हाँ, या फिर उसको पत्ती से, एक पत्ती से उठाकर दूसरी पत्ती में, या हाथ से उठाएंगे, ऐसा कुछ कुछ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी लाइफ के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, और वो बेचारे को क्या कर रहे हैं, परेशान करेंगे ऐसे करके, ठीक है। इसके लिए हम लोग को क्या बोला है पोएट ने, कि वो बेचारा जो है वर्म, उसको उसका जितना भी लाइफ है, जितना भी उसका दिन है, उसको उसमें थोड़ा सा मजा करने दो, उसको जो सिंपल सिंपल हैप्पीनेस मिल रहा है वो उसको लेने दो, उसको वो उसका लुफ्त उठाने दो। ओ डू नॉट लाइटली टेक अवे द लाइफ दाउ कांस्ट नॉट गिव। तो ये जो है लास्ट का लाइन, वो उन्हीं बच्चों के लिए है जिनकी मैं अभी बात कर रही थी, जो बेचारे को जाके मारते हैं, बेवजह पोक करते हैं, परेशान करते हैं, मार डालते हैं, कुचल देते हैं पैर के नीचे, तो ऐसे बच्चों के लिए ही है ये, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, ओ डू नॉट लाइटली टेक अवे, एकदम मजाक मजाक में उसका बेचारे का लाइफ मत ले लेना, ठीक है। मतलब टेक अवे मतलब ले लेना, हाँ, तो उसको बेचारे का लाइफ मत ले लेना मजाक मजाक में, द लाइफ दाउ कांस्ट नॉट गिव। तो दाउ का मतलब यू, वापस से कांस्ट का मतलब कांट, तो कैन नॉट होता है, एंड नॉट गिव तो नॉट गिव ही होता है, ठीक है। तो क्या बोला है कि आप जो जिंदगी दे नहीं सकते, उसे आपको लेने का कोई भी हक नहीं है। तो बेचारा अगर मर जाएगा तो आप उसमें जान फूंक सकते हो क्या वापस, कुछ भी करके? नहीं ना, वो बेचारे का तो जान चला जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या नहीं करने का, आप जो चीज किसी को दे नहीं सकते, आप क्या नहीं कर सकते, वो कभी किसी से लेनी नहीं चाहिए, स्पेशली लाइफ। तो प्लांट्स होते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जाके प्लांट्स को भी तोड़ते हैं। आप उनको जिंदगी वापस दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते ना, तो उनकी जिंदगी लेने का आपको कोई हक नहीं है, ठीक है। यह हक सिर्फ भगवान को है, और जितना जिसका लाइफ है उतना उसको जीने देना चाहिए। कभी कभी बच्चे जाके बेवजह फूल तोड़ते हैं, और पेड़ के नीचे डाल के कुचल देते हैं या कहीं फेंक देते हैं, उससे अच्छा वो पेड़ पे अच्छा दिख रहा था ना, तो छोड़ देने का उसको, अगर किसी को जरूरत होगी तो आके ले लेंगे, वरना वो उधर ही अपना लाइफ जिएगा और फिर सूख के गिर जाएगा, ठीक है। तो ये जो है लास्ट का लाइन, ये आप लोगों के लिए बहुत एप्लीकेबल है, ठीक है। आई होप आपको पूरा पोएम समझ में आया होगा, और हम जल्दी ही इसका क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे एक वीडियो में। तब तक आप जो है ये पोएम वापस वापस देखिए, बहुत प्यारी सी पोएम है, और अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो अर्थवर्म वगैरह होते हैं, जो एकदम मतलब कहते हैं ना कि जो मुखी जानवर होते हैं, जो कुछ बोल नहीं सकते जानवर, बेसिकली बोल सिर्फ इंसान सकते हैं, राइट। तो जो लोग कुछ बोल नहीं सकते, जो ऐसे जीव है, उनको कभी भी तंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये हमारा मॉरल ऑफ द स्टोरी है, और ये मतलब मॉरल ऑफ द पोएट्री है, और ये किसने लिखा है पोएम, थॉमस जिसबॉर्न, इन्होंने लिखा हुआ है। बहुत प्यारा है पोएट्री, आपको मैंने सारे जो ओल्डन इंग्लिश के वर्ड्स के मीनिंग है वो भी बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ भी गए होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और नोटिफिकेशन का आइकॉन जो है टैप करना बिल्कुल मत भूलना, ओके। हम लोग मिलेंगे अभी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।